राजगढ़ लोकसभा में राजनीति और राजनीतिज्ञों के प्रति दीवानगी ग्रामीण अंचलों में भी पहुंच चुकी है। अपने चहेते उम्मीदवारों के लिए कई तरह की मन्नत मांगते जतन करते आपने देखा होगा, लेकिन राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के हराना गांव में प्रधानमंत्री पद को लेकर भाजपा कांग्रेस के दो नेताओं में मुंडन कराने की शर्त लगी है। बताया जा रहा है कि हराना गांव के भाजपा नेता बाबूलाल मंडलोई और कांग्रेस नेता बापूलाल सेन ने शर्त लगाई है कि केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो कांग्रेस नेता बापूलाल सेन मुंडन कराएंगे, वहीं केंद्र में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो भाजपा नेता बाबूलाल मंडलोई अपना मुंडन कराएंगे। इसकी शर्त की ग्रामीणों ने बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की और पंचों के सामने वीडियो वायरल किया गया। अब ग्रामीणों को 23 मई को होने वाली मतगणना का इंतजार है। अब देखना यह है कि मुंडन किसका होगा। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे गठबंधन कांग्रेस की सरकार बनी तो बॉल आप पे बनाना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार बनेगी तो और अगर मान लो कि हमारे गठबंधन हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो मैं बनूंगा। बिल्कुल बिल्कुल शर्त मंजूर है। बिल्कुल मुंडन करूंगा मैं। अगर मोदी अगर बैठ जाएगा तो मुंडन करूंगा। अगर कांग्रेस बैठेगी तो फिर हाँ मुंडन पर मोदी बैठो चाहते मतलब नहीं मुंडन नहीं बैठने नहीं चाहते प्रधानमंत्री बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी नहीं होना। मोदी जी ना बैठ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी बने वो बात नहीं ना बैठ सकता है। नहीं नहीं बैठ ही नहीं सकता है। ठीक है मैं बाल कटाना मोदी जी बनी ये एग्जैक्ट बोले नहीं सब गलत साबित होगा। 24 तारीख 8 बजे मैं बाल नगर नहीं आना चाहता। 24 तारीख 8 बजे 24 तारीख सुबह पहले मुंडन करा लूंगा मैं अगर मोदी बैठ गया तो। हाँ नहीं तो फिर हमारे कांग्रेस बेटी मैं कोई पद पे नहीं। मैं तो एक मतलब ठोस कार्यकर्ता हूँ। आज आपका जो तेजी से व्हाट्सएप पे और अन्य सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हुआ हराना गांव का, क्या मामला है ये? दोनों के हमारे बापूलाल जी सेन के हमारे दोनों के शरीकत हुई क्या? किस बात की? अगर जो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो बापूलाल जी सेन मुंडन करवाएंगे, और कांग्रेस में अगर जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा तो मैं करूँगा मुंडन। कहाँ पर? ये हराना बस स्टैंड पर। बस स्टैंड पे करा बस स्टैंड पर हैं आप? मैं कांग्रेस में पद पे तो नहीं हूँ, पहले जरूर नगर अध्यक्ष पद पे रहा। आज आपका एक सोशल मीडिया पे तेजी से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप एक साथी से ये शरीकत लगा रहे हैं कि अगर राहुल गांधी की सरकार नहीं बनी तो मैं मुंडन कराऊंगा। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री के रूप में अगर मान लो मोदी जी अगर वापस आते हैं तो मैं मुंडन करा लूंगा। और राहुल गांधी की सरकार बनी तो बाबूलाल मंडलोई करवाएंगे। अच्छा, एग्जिट पोल आ गए हैं, कल एग्जिट पोल आए हैं। मैं एग्जिट पोल पे यकीन नहीं करता। एग्जिट पोल शिवराज सिंह चौहान ने बोला था कि एग्जिट पोल मैं स्वयं हूँ, उनने इत्मीनान नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँ।